सेहत को लेकर हम कितने परेशान रहते हैं। नॉट ओनली अ बैलेंस डाइट बट खाने पीने के वक्त की वो कुछ कॉमन गलत आदतें जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं बच्चों के फिजिकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ। वेलकम टू माई चैनल, मैं अंशी इज होम। मेरा नाम है सुनीता, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी है 9 साल की और एक बेटा है 5 साल का। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सुझाव अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो हमें हेल्प करेंगे बच्चों के खाना खाते वक्त उन कुछ कॉमन गलत आदतों को ठीक करने में जिन्हें हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, और साथ ही कुछ एडिशनल अच्छी आदतें हैं जो हमें बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। आप देखेंगे कि ये बच्चों के लाइफ स्किल को अप करने में हमारी हेल्प करेंगी जो कि जरूरी भी है। पहली गलत आदत है वो है टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना खाने की। ये आदत बच्चों में बहुत ही कॉमन है जो पहले मुझे भी प्रॉब्लम नहीं लगती थी, लेकिन आज यही मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है क्योंकि खाने ज्यादा ध्यान तो बच्चों का टीवी पर ही होता है। इसके वजह से क्या होता है कि वो खाना धीरे धीरे खाते हैं, खाना ठीक से चबाते नहीं है, खाना गिरा भी देते हैं, और क्योंकि धीरे धीरे खाना खाते हैं तो खाना ठंडा भी हो जाता है। और अगर घर में दो बच्चे हैं और एक ही पसंद का चल रहा है तो फिर दूसरा खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो फिर हमें उसको अपना मोबाइल देना ही पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फिर हमें आखिरी में बच्चों को अपने हाथों से ही खाना खिलाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो हर पेरेंट को आज के टाइम पे फेस करनी ही पड़ती है। कुछ पर्टिकुलर डिशेज ऐसी होती है जिनको बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, और ये भी एक तरह की गलत आदत ही है। तो बच्चे क्या खाएंगे ये सोचकर ही खाना बनाना पड़ता है और अपनी पसंद को साइड में ही रखना पड़ता है। आप देखेंगे कि इस तरह की आदतें बच्चों के एटीट्यूड को चेंज कर देती हैं। अब वो घर के साथ साथ बाहर भी खाना खाने को लेकर बड़े चूजी हो जाते हैं। ये आदत बड़ों में भी होती है, लेकिन बच्चों में इन आदतों को ठीक करना ज्यादा आसान है। सो दैट वो घर में बनी हुई मील्स को खाने में अपना इंटरेस्ट दिखाए। प्लेट में दिया हुआ पूरा खाना फिनिश ना करना ये भी एक तरह की गलत आदतों में ही आता है। हमें अपने बच्चों के अंदर ये फीलिंग डेवलप करनी चाहिए कि उनको अपनी प्लेट में दिया हुआ खाना फिनिश करना है, अदरवाइज ये वेस्ट हो जाता है। बच्चे हर चीज में इंटरेस्ट रखते रहते हैं, शायद इसीलिए उन्हें खाना खाना इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी नहीं लगती है। इसीलिए वो आपसे फोन या टीवी देखने की डिमांड करते हैं ताकि वो अपने उस वी टाइम को इंटरेस्टिंग बना सकें। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे भागते रहते हैं और हम उन्हें खाना खिलाते रहते हैं, वो कुछ खेलते रहते हैं और हम खाना खिलाते रहते हैं, और इस टाइम को बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। सॉरी टू से, लेकिन बच्चों में ये गलत आदत पड़ने की कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जब बच्चा बचपन में खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तो हम खुद ही टीवी या मोबाइल का सहारा ले लेते हैं ताकि बच्चा एटलीस्ट अपना खाना फिनिश कर सके। धीरे धीरे ये आदत बच्चों में पक्की हो जाती है, और हम खुद भी खाना खाते हुए टीवी देखना इतना पसंद करते हैं कि हम बच्चों की इस आदत को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सके हमें बच्चों में इस आदत को खत्म करना चाहिए ताकि वो टीवी देख के खाना ना खाएं। इसके लिए हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए जिन्हें हम फॉलो कर सकें। सबसे पहले आप कोशिश करें कि बच्चों के साथ बैठकर ही खाना खाने की आदत डेवलप करें। आपके घर में जो भी स्पेस अवेलेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग अपने खाने की जगह को डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो डाइनिंग टेबल पर बैठे चाहे आप टीवी रूम में बैठे, बट एक पर्टिकुलर स्पेस आप डिसाइड करें जहाँ पे बैठकर आपको खाना खाना है। हम अपने दिन की 2 मिनट डाइनिंग टेबल पर ही बैठ कर लेते हैं। फिर आप बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर सीट उनकी डिसाइड करें। आप उनको बताएं कि ये सीट आपकी है और आपको इसी पे बैठकर खाना खाना है, चाहे आपका एक बच्चे हो या आपके दो बच्चे हो, लेकिन आपको उसके लिए सीट डिसाइड करके रखनी है। आप जब बच्चे को ये बताएंगे कि ये सीट आपकी है और ये आपके लिए बिलोंग करती है, तो बच्चे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि ये चीज मेरी है और मुझे यहीं बैठ के खाना खाना है। हम जितनी 2 मिनट डाइनिंग टेबल पर बैठ कर ही लेते हैं, मैंने अपनी दोनों बच्चों की सीट फिक्स कर रखी है कि बेटी को यहाँ बैठना है और बेटे को यहाँ बैठना है। बेटा मेरा थोड़ा नॉटी है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे पास बैठ कर ही खाना खाए ताकि मैं उस पर थोड़ा फोकस भी रख सकूँ। इसके अलावा आप अपनी हर मील का एक टाइम फिक्स करते रहें, लंच का और डिनर का दोनों का, और साथ में आप बच्चों को ये भी बता के रखें कि ये टाइम हमारा लंच करने का है और ये टाइम हमारा डिनर करने का है, और इस टाइम को हम एज अ फैमिली इंजॉय करेंगे और साथ में बैठ के हम खाना खाएंगे। तो बच्चे इस बात को एज अ एक्टिविटी लेंगे और वो इंजॉय करेंगे उस फैमिली टाइम को साथ में। मेरे घर में लंच और डिनर का टाइम फिक्स होता है। लंच हम 2 बजे तक कर लेते हैं, डिनर हम 8 बजे तक कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम जब स्कूल ऑनगोइंग थे तो उस टाइम पे रूटीन कुछ और चलता था, और अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हम बिफोर ऑनलाइन क्लासेस अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि अगर आप किचन में बिजी हैं या किसी अदर एक्टिविटी में बिजी हैं तो आप उनके ग्रैंड पेरेंट्स को या फैमिली में जो अदर मेंबर हैं आप उनको बोल सकते हैं कि वो बच्चे को मील टाइम पे ज्वाइन करें ताकि बच्चा उस टाइम पे अकेला ना फील करे और आपसे डिमांड ना करे कि आप मेरे टीवी लगाओ या फोन लगाओ। अगर इन सब कोशिशों के बाद भी आपका बच्चा टीवी या मोबाइल देखने की जिद कर रहा है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी
स्ट्रेस उसके साथ दिखानी चाहिए। पर अगर आप उसके साथ धीरे धीरे यही रूटीन फॉलो करते रहेंगे कि हर मील आप उसके साथ ही ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो आपकी कंपनी इंजॉय करने लगेगा और टीवी या मोबाइल देखने की जो जिद वो कर रहा है वो उसको छोड़ देगा। मुझे अपनी बेटी के साथ तो कभी ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली, लेकिन मेरा बेटा क्योंकि वो छोटा भी है और थोड़ा नॉटी भी है, तो इसलिए मुझे उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है। इसलिए मैं उसे खाना खाते वक्त अपने पास ही बैठाती हूँ ताकि मैं उस पर ध्यान दे सकूँ। साथ बैठकर मील एंजॉय करना आपको यहाँ पे भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उस टाइम आप बच्चों के साथ बैठे होंगे तो आप खाने के ऊपर बच्चों के साथ एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आप सच में चाहते हैं कि बच्चा कुछ पर्टिकुलर डिश है जो बच्चा खाए, तो आप उसके साथ थोड़ी सी ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। लाइक आप उसको ब्राइब कर सकते हैं कि अगर आपने ये खाना फिनिश किया तो मैं आपको किसेस करूंगी या आपको हग करूंगी या आपके साथ प्ले करूंगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करके एक स्टोरी बिल्डअप कर सकते हैं जिसके थ्रू वो उस खाने को एंजॉय करें। अपनी बेटी के साथ मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती है क्योंकि वो हर खाने को खा लेती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो नहीं खाती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि एटलीस्ट बेटा आप इसको एक बार टेस्ट ज़रूर करो ताकि आपको पता रहे कि इसका टेस्ट कैसा है। मेरा बेटा थोड़ा छोटा है और नॉटी है, तो इसलिए उसके साथ मुझे ये ट्रिक्स थोड़ी सी काम करनी पड़ती हैं ताकि वो खाने को खाए। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आप बच्चे को जो खाना दे रहे हैं कहीं वो उसकी मील से ज़्यादा तो नहीं है। एज अ मदर आपको पता होगा कि आपका बच्चा एक मील में कितना खाना खाता है, तो अगर आप देख रहे हैं कि वो रोज़ ही खाना छोड़ रहे हैं तो आप थोड़ी क्वांटिटी कम करके उसको खाना दे सकते हैं। सेकेंडली आप ये भी ध्यान रखें कि मील के बीच में उसने कुछ खाया तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चे चिप्स बिस्किट वगैरह खा लेते हैं जिनके वजह से उनका पेट फुल हो जाता है और वो खाना फिनिश नहीं कर पाते। थर्डली जब भी वो खाना फिनिश करें आप कोशिश करें कि उनको हमेशा अप्रिशिएट करें, उनको बोलें कि आज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो खाना फिनिश किया। और अगर वो खाना फिनिश नहीं कर रहे हैं तो आप उनको बताएं कि ये उन्होंने गलत किया, खाना छोड़ना अच्छी आदत नहीं होती है। ऐसा उनको बताने से उनको सही और गलत में फर्क पता चलेगा। साथ बैठकर मील एंजॉय करना आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा, बिकॉज एक तो आप उनके साथ बैठे होंगे और आप उनको खाने के टाइम पे इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हो उनके साथ ताकि उनका फोकस खाने पे बना रहे। सेकेंडली अगर आप चाहें तो आप उनको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं। लाइक जैसे आप उनको छोटे छोटे काम बोल सकते हैं कि आप पीछे से ग्लास ले आएँ, पानी ले आएँ, अपनी प्लेट ले आएँ या अपनी प्लेट में खुद खाना सर्व करें। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं जो उनको मोटिवेट करती है कि हाँ ठीक है हमें अपना खाना खाना चाहिए। इसके अलावा दो ऐसे एडिशन आते हैं जो मुझे लगता है कि हर बच्चे में होनी चाहिए। सबसे पहली, खाना खाने से पहले गॉड को याद करना या उनको थैंक यू करना इस मील के लिए। इससे क्या होगा, एक तो गॉड की पॉजिटिव एनर्जी उस खाने को मिलेगी, दूसरा खाने के साथ साथ बच्चे की बॉडी को भी मिलेगी। सेकेंडली, खाना फिनिश होने के बाद अपनी एम्प्टी प्लेट को किचन सिंक में रखकर आना, इससे बच्चे के अंदर सेल्फ ड्यूटी की एक फीलिंग डेवलप होगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मेरे साथ साथ हमारे लिसनर भी इन बातों को अपनी और अपने बच्चों की लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।